मैं आशीष कुमार गंगवार, मंडल अध्यक्ष, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट एवं जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। आज दिनांक 5 फरवरी 2019 को संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुखिया माननीय अजय सिंह जी के आह्वान पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम में समर्थन किया है और प्रतिभाग करेंगे हम लोग। ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने 15 नवंबर 2018 को ज्ञापन दिया था, उसके उपरांत दिनांक 8 व 9 जनवरी 2019 को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की थी 2 दिवसीय, जिसमें 4 सूत्रीय मांग थी, जिसमें से एक चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित मांग पूरी हो चुकी है। और आज जो ये पुरानी पेंशन बहाली के लेकर कर्मचारी और शिक्षक आंदोलित है, मैं चेताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि अगर आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कि नेताओं को पेंशन और कर्मचारी शिक्षक पेंशन से वंचित है। मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो उन्हें आने वाले चुनावों में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और उन्हें सत्ता से छीनने का कार्य हम लोग करेंगे। गिरफ्तारियां हम सब देने के लिए बैठे हुए हैं और आवश्यकता पड़ी तो जेल भरकर हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अब पुरानी पेंशन के बगैर हम लोग नहीं रह सकते और ये सरकार को समझना चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि इस देश में नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश और देश का कर्मचारी एवं ये जनता, हम लोकतंत्र हैं, हम ही ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हो। और अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करोगे तो कुर्सी छीनने का कार्य भी उत्तर प्रदेश का एक कर्मचारी आपसे करेगा।